मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है यार। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर किन लोगों की वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है? तो आइए देखते हैं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल में बड़ी करप्शन देखने में आई है। बड़ी करप्शन का लूट के खा गए मुल्क को, इन्हीं लोगों की वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। आप बताओ आपका क्या मसला है? वकील साहब, पुलिस वाले मेरे फलों की रेडी उठा के ले गए, तो किसी ने बताया कि आप ही कुछ कर सकते हो। हाँ, काम हो जाएगा आपका, बस 10,000 रुपए लगेंगे। 10,000? भाई मेरे, पैसे हैं तो बात कर, वरना वो रहा दरवाजा। इन्हीं लोगों की वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ। और सस्ते आ गए जे वीआईपी आ गए, जे सस्ते आ गए रे वीआईपी आ गए, और सस्ते आ गए रे वीआईपी आ गए। ओए, तो तुसे फिर रेडी ते चुके नहीं आए? ओ नहीं नहीं, तू टेंशन नहीं लेनी, फिर हम लेना है। आओ किलो कर दे हम। ओ सर जी, तुसी टेंशन नहीं ना लो, जे हिक भी दाना खराब ते समझो मेरा खाना खराब। अमित भाई आम खाएगा, तेरा दोस्त तेरे लिए वीआईपी आम लेके आया। ओए ये तो सड़ा हुआ आम है। इतनी दो नंबरी, इन्हीं लोगों की वजह से इस मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है। खैर कोई नहीं, अभी पैसे पूरे कर लेते। ओए दे दे दर, इधर आओ। हेलमेट किधर है? हेलमेट चेक करना तो ट्रैफिक पुलिस का काम है, तुसी तो महफूज हो गए हो। अब आप हमें सिखाएंगे हमें क्या काम करना है? दो ही काम हो सकते हैं, या तो बाइक बंद होगी या फिर चाय पानी। मैंने दुनिया में बड़े बड़े गुनाह किए, पर ऐसा काम नहीं। अरे बाइक बंद कर रहना दी। इन्हीं लोगों की वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ। शान भी ये घड़ी खराब है, इसका क्या करना है? क्या रहा यार, भेज दे, सब बिकता है यार। जरा मुझे जल्दी से कोई अच्छी सी रिस्ट वॉच दिखा दे। सर वैसे तो बेताशा वॉचेस हैं, ये जर्मनी की इंपोर्टेड वॉच है, इंशाल्लाह तआला कोई इसमें मसला नहीं होगा, बेहतरीन चलेगी। जनाब ये तो वैसे भी नहीं चल रही। सर ये सेल से नहीं, पल से चलती है, थोड़ी देर पहनेंगे आप, रूटीन में चल पड़ेगी, कोई मसला हुआ वापस ले आइएगा। चलें फिर जल्दी से पैक कर दें इसे। जनाब ये मैं आपसे रिस्ट वॉच लेके गया था, ये चल नहीं रही। सर ये इंपोर्टेड आइटम, इसकी कोई वारंटी नहीं होती, एक दफा आपने खरीद ली आपकी हमारी कोई जिम्मेदारी। ऐसे कैसे वारंटी नहीं है, आप ही ने तो कहा था खराब हो तो वापस ले आना। सर आपको गलतफहमी हुई है, हम ऐसे कह ही नहीं सकते। वो देखिए सामने क्या लिखा। तुम तो सरासर लूट रहे हो, केस करूंगा मैं तुम लोगों पर, तुम्ही लोगों की वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है। रखो अपने पास। डॉक्टर साहब, मेरा भाई स्टेशन पे मर रहा है, जल्दी चलिए उसका ऑपरेशन कीजिए। जी हम अभी स्टार्ट कर देते हैं, आप पहले बाहर काउंटर पे फीस जमा करवा दें, 20 लाख रुपए। 20 लाख? आपने ऑपरेट करवाना है कि नहीं? चलें आप शुरू करें, मैं एक दो दिन तक पैसों का अरेंज कर दूंगा। देखिए हमारी पॉलिसी है कि पहले पेमेंट फिर ट्रीटमेंट, अगर आप करवा सकते हैं तो बताएं, वरना आप शर्म आनी चाहिए। आप लोगों ने सेहत को कारोबार बनाया हुआ है, आप जैसे लोगों की वजह से मुल्क का बेड़ा। भाई मेरे, पैसे हैं तो बात कर, वरना वो रहा दरवाजा। तो फिर देखा आपने, इन लोगों की वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ, हम सब की वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क। ऐ तायर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही।